बस्ती जिले से इस समय आ रही बड़ी खबर, जहां पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में दीपेंद्र नाथ चौधरी अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी हरैया शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष छावनी उमा शंकर तिवारी ने 25,000 के इनामिया पशु तस्कर को किया गिरफ्तार। आपको बताते चलें कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान एजाज पुत्र रईस व आगा उर्फ आगारोही पुत्र कलवे साकिन अलीगढ़ थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर के रूप में की गई। वहीं प्रकरण पर शेषमणि उपाध्याय सीओ हरैया के द्वारा बताया गया कि दोनों अभियुक्त काफ़ी दिन से फरार चल रहे थे, जिनको मुखबिर की सूचना पर पचवस गांव के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। बस्ती से सी न्यूज हिंदुस्तान ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार जहां सर पशुओं के सुरक्षा के प्रति सचेत है, वहां पर आए दिन जो है क्रूरता पशुओं के प्रति की जा रही है, इसी प्रकरण में कुछ मामला संज्ञान में, क्या मामला है? थाना छावनी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत था। उसमें दो मुलजिम हमारे काफ़ी दिनों से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी है तो पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। बीती रात हमारी छावनी की पुलिस व्यवसायी दुर्विजय सिंह और सर्विलांस टीम की मदद से इन दोनों अभियुक्तों को नेशनल हाईवे लखनऊ गोरखपुर पर पचवस बाईपास के पास से अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम एजाज पुत्र रईस अहमद और दूसरा आगा और आगारोही पुत्र कलबे अब्बास, निवासी अलीगढ़ अमहट थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर हैं। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजकर प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, क्या पहली बार है कि पेशे और अपराधी हैं? इसमें से एक गिरफ्तार अभियुक्त आगारोही और आगारोही है, इसके विरुद्ध थाना धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर में पूर्व में भी एक युवक का मुकदमा और 1307 और 467/68 का मुकदमा की जानकारी हुई है। दूसरे अभियुक्त के बारे में और हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं, इनका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जाए।